हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम चैप्टर 2 के 2.1 एक्सरसाइज को करेंगे। जैसा आप लोग देख रहे हो, मैंने क्वेश्चंस भी लिख दिए होंगे। इसमें हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस जो होते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, पहले वेरिएबल का मतलब समझो। वेरिएबल का मतलब वेरी, इंग्लिश में वेरी मतलब जो चेंज होता रहे, ठीक है, उसको वेरिएबल कहेंगे, जो चेंज होता रहे। और इसमें हम बेसिकली अल्फाबेट का यूज़ करते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी। वैसे आगे चल के आपको पता चलेगा ए बी सी को हम कॉन्स्टेंट के लिए एज्यूम करते हैं, पर वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो बदलता रहे। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जो बदलता रहे, ठीक है। अब सपोज दैट यहाँ पे, अच्छा, वन वेरिएबल, जैसे मैंने लिखा है ना, वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अब आप एक बार इन सब में देखो, एक से ज़्यादा किस में वेरिएबल है, क्या कंडीशन है वन वेरिएबल के लिए, कि फंक्शन वन वेरिएबल है कि नहीं। सबसे पहली कंडीशन है कि उसमें एक ही अल्फाबेट यूज होना चाहिए। यहाँ पे कितने अल्फाबेट है, एक, यहाँ भी एक अल्फाबेट, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, पर यहाँ तो एक से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज इट हैज़ मोर देन वन वेरिएबल। भाई क्वेश्चन में तो इसने हमसे ये पूछा ना कि वन वेरिएबल होना चाहिए, पर अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक्स भी है, वाई भी है, टी भी है, ठीक है, तो ये वन वेरिएबल तो रहा नहीं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, उसमें वन वेरिएबल, एक अल्फाबेट होना चाहिए। यहाँ पे तीन अल्फाबेट हैं, तो ये वेरिएबल नहीं होगा। पहली कंडीशन वन अल्फाबेट, जिसको हम जिसको हम कहेंगे एक अल्फाबेट या वेरिएबल कह सकते हैं। दूसरी कंडीशन है एक्सपोनेंट या पावर कहेंगे, तो हम एक्सपोनेंट मस्ट बी होल नंबर। इसका मतलब समझो, दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो उनके पास एक ही अल्फाबेट होना चाहिए, इसमें तीन है ये नहीं है, लेकिन इनमें अब आप कहोगे सर ये तो सारे हो गए, नहीं, दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है। एक्सपोनेंट या जिसको हम पावर कहते हैं, वो होल नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ एक्स की पावर 2 है और यहाँ एक्स की पावर 1 है, तो यस ये होल नंबर है। यहाँ वाई की पावर 2 है, तो यस ये है, पर यहाँ रूट टी है, रूट टी, और रूट टी मैं क्या कहता हूँ, 1/2। क्या 1/2 होल नंबर है, नहीं है ना, तो ये भी, इसका आंसर भी नो हो जाएगा, वन वेरिएबल नहीं हुआ। आर यू गेटिंग मी, क्योंकि पावर होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, सो ऑन, ठीक है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है ना नाइन्थ क्लास। तो टी की पावर क्या है, 1/2, 1/2 है, यानी कि ये वेरिएबल क्या है या नहीं है, वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि पावर होल नंबर है, ठीक है। हमें इन दो कंडीशंस को देखना होता है, क्या एक ही वेरिएबल है, एक ही अल्फाबेट यूज हो रहा है, अगर है तो फिर दूसरी कंडीशन चेक करो, उसके पावर में, सॉरी, उसके वेरिएबल के एक्सपोनेंट उसमें होल नंबर में हो। अब जैसे यहां देखो, ये क्या है, ये तो वाई है, ये ठीक है, पर ये 2/y है, 2/y को मैं वाई की पावर माइनस 1 भी लिखता हूं, लिख सकता हूं, याद रखना। जैसे 9/x है ना, एक्स स्क्वायर, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो एक्स की पावर माइनस की हो जाएगी। 7 -7/x की पावर 4 है, अगर आप इस एक्स की पावर को ऊपर लेके आओगे तो इस पावर का साइन चेंज हो जाएगा। वही अगर यहां -4 होता तो +4 हो जाता, तो यहां y की पावर 1 है, अभी ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी। और क्या माइनस होल नंबर है, नहीं है ना नाइन्थ क्लास, तो इसका आंसर भी नो। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बेसिकली क्या चीज सीखी, वन वेरिएबल के लिए क्या कंडीशन होते हैं। वन वेरिएबल के लिए हमारे दो कंडीशन होते हैं, पहला कंडीशन है कि वो उसमें एक ही अल्फाबेट यूज होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि उसकी एक्सपोनेंट यानी पावर की वैल्यू जो है होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर के अलावा कुछ भी हुआ तो वो क्या होगा, वो जो वन वेरिएबल नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर -3। अब इसका आंसर, ये होल नंबर, ये होल नंबर, ये -3 तो होल नंबर नहीं है ना, तो यानी कि ये भी वन वेरिएबल फंक्शन नहीं हुआ। तो आई होप नाइन्थ क्लास आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें वन वेरिएबल चेक करना, वन वेरिएबल के लिए दो कंडीशन है, पहला तो एक ही अल्फाबेट होना चाहिए जिसको हम वेरिएबल कह रहे हैं, और दूसरा उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। पहले में पावर जो है या एक्सपोनेंट हम कह रहे हैं जिसको होल नंबर है, दूसरे में एक्सपोनेंट होल नंबर है, पर तीसरे में रूट आ गया, रूट का मतलब होता है 1/2, और 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर नो है, बिकॉज 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में वाई अपॉन में है, अपॉन का मतलब नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव भी होल नंबर में नहीं आता, तो हम कह सकते हैं कि ये भी फंक्शन होल नंबर नहीं है। और ई पार्ट में तीन वेरिएबल्स यूज हुए, एक्स वाई टी,
तो ये मोर देन वन वेरिएबल हो गया, तो ये वैसे ही नहीं होगा। तो आई होप मैं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन समझा पाऊंगा। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाइन्थ क्लास, आप अपना सेकंड क्वेश्चन देखो, उसमें लिखा है कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कॉफिशियंट क्या होता है? कॉफिशियंट वो नंबर या वो एक्चुअली कॉन्स्टेंट होते हैं, कॉन्स्टेंट एंजिन की वैल्यू चेंज नहीं होती, जो उस वेरिएबल के साथ होते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ। मैं सबसे पहले ना इसका सी पार्ट करवा रहा हूँ, ए बी सी, ए बी भी करवाऊंगा, पर सबसे पहले सी। सी में एक्स स्क्वायर कहाँ पे है? यहाँ है ना, एक्स स्क्वायर को छिपा दो, बाकी जो भी बच गया वही इसका कॉफिशियंट होगा। तो इसका कॉफिशियंट क्या हुआ? पाई बाय टू, क्योंकि जब मैं एक्स स्क्वायर को छिपा दे रहा हूं तो मेरे पास क्या बच रहा है? सिर्फ पाई बाय टू। तो कॉफिशियंट क्या हो गया? पाई बाय टू। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो, सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन है, या सेवनटीन ले लो, कंफ्यूजन ना हो, सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सेवनटीन है, इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या होगा? एक्स स्क्वायर को छिपा दो, क्या बच गया? सेवन, तो सेवन इसका कॉफिशियंट होगा। ठीक, ऐसे ही यहां पे देखो, एक्स स्क्वायर को छिपा दो। एक्स स्क्वायर जब कोई नंबर नहीं लिखा हो तो मानते ना वहां पे वन है, वन मानते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर हटा रहा हूं तो इसके साथ वन लिखा हुआ है, तो इसका कॉफिशियंट क्या हुआ? इज वन। ठीक है, क्योंकि यहां पे कोई नंबर नहीं है तो हम वन कंसीडर करेंगे, और ये प्लस का है इसलिए प्लस का वन, क्योंकि नेक्स्ट वाले में माइनस है, तो कॉफिशियंट क्या हो जाएगा इसका? माइनस वन। विद साइन लेना है, विद साइन लेना है नाइन्थ क्लास। जैसे यहां एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है तो इसके कॉफिशियंट के साथ माइनस लगेगा, नंबर कुछ नहीं है तो मैं वन लेंगे तो माइनस वन, नंबर कुछ नहीं है तो वन लेंगे प्लस वन, क्योंकि इसके आगे प्लस है। अब डी पार्ट में देखो, क्या डी पार्ट में एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना, फिर भी इसमें हमें कॉफिशियंट तो लिखना ही पड़ेगा। अब नहीं दिखाई दे रहा, एक चीज बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जीरो एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ? अब जीरो को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? आएगा तो जीरो, यानी हम जीरो ही ऐड कर रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन, यहाँ प्लस मैं मान लो, प्लस में अगर मैं जीरो ऐड करूँ तो कोई फर्क पड़ेगा इस इक्वेशन पे? नहीं पड़ेगा, इक्वेशन अभी वही है, किसी में भी जीरो प्लस करोगे तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। अब अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दूँ तो क्या फर्क पड़ रहा है? जीरो को एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने पे जीरो ही आएगा, तो यहाँ पे कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ? कॉफिशियंट इज जीरो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक दो और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे सेवन एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन। अब यहां एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? थ्री मत बोलना, विद साइन माइनस थ्री बोलोगे। आई रिपीट, विद साइन, ठीक है नाइन्थ क्लास, विद साइन लेना है। तो इस तरीके से ये हमारे चार पार्ट थे जो इजीली हो गए। कॉफिशियंट का मतलब होता है वो कॉन्स्टेंट जो उस वेरिएबल के साथ है, और कुछ नहीं है तो वन, अगर प्लस है उसके आगे तो प्लस वन, और कुछ नहीं है माइनस है उसके आगे तो माइनस वन। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ सी नाइन्थ क्लास, क्वेश्चन थर्ड है, बाइनोमियल में डिग्री हमें 35 लिखनी है और मोनोमियल में डिग्री हमें 100 लिखनी है। अभी बाइनोमियल और मोनोमियल होते क्या है? बाइनोमियल मतलब जिसमें दो नंबर अल्फाबेट्स कुछ हो, जैसे x प्लस वाई बाइनो हो गया, ठीक है, दो अलग अलग हो, मतलब अलग अलग यानी दो हो, ठीक है, इसको हम बाइनो कहते हैं। मोनो जिसमें एक ही हो, और ट्राइनो जिसमें तीन हो, ठीक है, फिर पॉली आ जाता है, मतलब ऐसा आ जाता है। तो हमें एक बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 है। अब डिग्री होती क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगा, पर अभी भी समझा दे रहा हूँ। डिग्री उस इक्वेशन में उस वेरिएबल की सबसे ज़्यादा पावर, जैसे हम x की पावर 35 प्लस x लिख दें, दो वेरिएबल हो गए, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है? 35, और यहाँ मान लो 26 लिख दिया, तो इन दोनों में सबसे बड़ी पावर क्या हुई? एक्सपोनेंट 35 ना, तो इसका डिग्री 35 कहलाएगा। गेटिंग मी? यहाँ x की पावर 35, यह मान लिया एग्जांपल दे रहा हूँ x की पावर 39, तो यहाँ डिग्री क्या चला जाएगा? 39, क्यों? एक्सपोनेंट कौन सा बड़ा है? 39, इस तरीके से बताना है। तो इसने पूछा हमें बाइनोमियल, बाइनोमियल के लिए हमने दो ले लिए, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी लगा दो, आप अपनी तरफ से कोई भी आंसर बना सकते हो। 35 और माइनस में x की पावर 4,
x की पावर 35 लेके और माइनस में कुछ भी ले लो, 6y कुछ भी, ठीक है। अब मोनोमियल, मोनोमियल में एक ही फंक्शन होता है जिसकी वेरिएबल, जिसकी डिग्री इसने कही है 100। लो एक हो गया, डिग्री कितनी होगी 100, इसके साथ कोई भी कुछ नहीं, ना प्लस ना माइनस, ठीक है। मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे 8 कुछ ऐसे लिख सकते हो, या अपॉन में 7 ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ये सिंगल ही होना चाहिए, इसके साथ में दो प्लस होना चाहिए ना माइनस होना चाहिए। बाइनो में दो होंगे क्योंकि बीच में प्लस या माइनस आएगा तो दो हो जाएंगे, लेकिन मोनो का मतलब सिंगल होता है, बाइनो का मतलब दो होता है। डिग्री 100 होनी चाहिए, हो गया, ज़्यादा टफ नहीं था, इसी वे में हमें करना था। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सी 9th क्लास, इससे पहले मैंने बताया था डिग्री का मतलब क्या होता है। उस पूरी इक्वेशन में x की सबसे बड़ी एक्सपोनेंट को ही हम उसकी डिग्री कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें x की सबसे बड़ी एक्सपोनेंट यानी पावर क्या है, 3 है ना, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 या 4, 2 है ना y, तो यहां पे डिग्री क्या होगी, 2। यहां पे t यानी मैं 1 लिख सकता हूं, जब खाली है तो इसकी पावर 1 लिख सकता हूं, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1। यहाँ पे क्या लिखूँ, यहाँ पे तो हमारे पास कोई वेरिएबल है ही नहीं ना, तो एक बात बताओ, इसको प्लस में मैं 0 लिख सकता हूँ, 3 + 0 3 ही रहेगा, और 0 को मैं कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ, एक्स की पावर 0 लिख दूँ, ओ सॉरी सॉरी 3 है ना, उसको हटाओ, 3 के साथ कोई वेरिएबल है हमारे पास, नहीं है ना, तो इसको मैं 3x⁻⁰ लिख सकता हूँ। अच्छा चलो इसको भी समझाने के लिए 3 × 1 लिख दो तो क्या आएगा, 3 आएगा। इस 1 को मैं x⁻⁰ लिख सकता हूँ, x की एक्सपोनेंट 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी की भी एक्सपोनेंट अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, एंड वी ऑल नो दैट कि किसी की भी एक्सपोनेंट अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 ही है, 3 × 1 3 ही आएगा, तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारी, 0। हो सकता है आप इसमें कन्फ्यूज हो, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 5 है, 5 के साथ आपको कोई वेरिएबल दिख रहा है, नहीं, अच्छा एक बताओ 5 × 1 क्या 5 ही रहेगा ना, ठीक है 5, 1 को मैं क्या x⁻⁰ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि x⁻⁰ की वैल्यू भी 1 ही होती है, तो इससे मेरे को फ़ायदा क्या हुआ, मुझे एक वेरिएबल मिल गया और उसकी पावर भी मिल, डिग्री मिल गई, पावर मिल गई तो वो 0 हुई, क्योंकि 0 ही है। तो आई होप क्वेश्चन 4th भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो क्वेश्चन कैसे होगा देखते हैं। ओके 9th क्लास, क्वेश्चन 5th देखो, उसमें हमें बताना है लीनियर इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है और क्यूबिक कौन सी है। लीनियर का मतलब होता है लाइन, और लाइन के लिए हमेशा एक डिग्री चाहिए, इसकी डिग्री कितनी चाहिए, डिग्री 1, क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री 2 और क्यूबिक के लिए 3। तो बस आपको ये देखना है, जिसमें एक हो, जिसमें किसी भी वेरिएबल की एक्सपोनेंट, वेरिएबल का एक्सपोनेंट अगर एक है तो वो लीनियर है। सबसे पहले हम लीनियर को देखते हैं, देखो ये रहा कैसे, x है, x की पावर 1 मान लूं, है ना, 1 समझाया ना, जिसकी पावर, जिसकी एक्सपोनेंट 1 है वो लीनियर है, t की पावर 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये भी क्या हो गया लीनियर, क्यों, t की पावर 1 है, x की पावर 1 है, और जितने में x की मतलब वेरिएबल की डिग्री 1 है उसको हम लीनियर कहेंगे। क्वाड्रेटिक के लिए जिसमें 2 हो, ये रहा 2, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्योंकि 2 है और कहीं है 2, ये रहा क्वाड्रेटिक, y + y² 2 हो गया ना, x² और कहीं है, ये रहा r² क्वाड्रेटिक, और जिसमें पावर 3 आ जाए वो क्यूबिक, ये रहा 3 क्यूबिक और कहीं 3 है, ये रहा क्यूबिक। तो आई होप ज्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा क्वेश्चंस में, बस एक ही बात याद रखना, लीनियर का मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2 होनी चाहिए, और क्यूबिक का मतलब डिग्री 3 होनी चाहिए हाईएस्ट, ठीक है, तो वो क्यूबिक हो जाती है, क्वाड्रेटिक हो जाती है और लीनियर हो जाती है, हाईएस्ट डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री ऊपर। तो आई होप हमारी 2.1 खत्म होगी 9th क्लास। कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम होती तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, बाकी जो भी डाउट्स होते हैं मैं आपको समझा दूंगा। थैंक्स 9th क्लास, एंजॉय योर डे।